हे पारत के सारथी और तुमको मेरी प्रणाम। मेरे गाड़े के प्रभु सो तेरे हाथ लगाम। मुरली बाले मोहना और मुरली तनक बजाए, तेरी बंसी मन बसी घर अंगनान सुहाए। मेरे लाजी रखो घन श्याम शरण में आए हैं। मेरे लाजी रखो घन श्याम शरण में आए हैं। सदा भगतन के पन पारे, सदा भगतन के पन पारे, देवता बोले जयकारे, देवता बोले जयकारे। प्यारो दीन बंधो गे नाम शरण में आए गे। मेरे लाडी रखो घन श्याम शरण में आए गे। जेल में जन्म लियो तुमने, ध्यान तेरो के नो गमने, ध्यान तेरो के नो गमने। तुम खेले गे ब्रज धाम शरण में आए गे। मेरे लाजी रखो घन श्याम शरण में आए गे। ध्यान तेरो जिसने कियो, ध्यान तेरो जिसने कियो, दुख भाई को हर लियो। तोए जप सोवे और साम शरण में आए गे। मेरे लाजी रखो घन श्याम शरण में आए गे। बजरंगे हर के संगे नैया दीजो तपार लगाए। मात सरस्वती को सुमिरत हो, बोलो अक्षर जो दिए बताए। माता पिता को स्मरण करके कर में बाजा लिए उठाए। भूमिया सुमिरो निज खेरे को, जो मेरी हरदम करे सहाय।
जब हमारा में नाव पड़ी है कौपदती जो पार लगाए आदर के यो बुजुर्गो प्यार करने बच्चों नौजवान साथियों सीता अनसुईया सावित्री जैसी भूमि में आने वाली माता बहने आज आप लोगों के सामने एक ऐसा पावन इतिहास सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो एक महान तपस्वी पर 14 वर्ष की कन्या किस तरह से अपने जीवन को उनके हवाले कर चुकी और उन्हीं के साथ उन्होंने किस तरह से अपना पारगर संस्कार किया यह चमर ऋषि की कथा बड़ी ही मार्मिक कथा है। आइए आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। एक श्राद्धदेव मनु के वंश में एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं जिनका नाम था राजा सर्यात। ये कैसे थे राजा सर्यात? इनकी यश की रथ की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान हुई भैया। भोपाल सुनो सवाल सवा के भाई रे धर्म ध्वजा फहराए रे के स्वर्ग में है जाए। बहुत अच्छे राजा। दुजन को भाई और चमन ऋषि की कथा को रवि अब सुन ले ध्यान लगाए। चमन ऋषि की कथा को ढोलक रवि जो रह बजाए। लिखी गुसैया किरण मिट्टी है जो बिलना ने लिखी बनाए। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रहे है। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रहे है। आगे को बड़ी रही के मेरी धीरे कथा के भैया। राजा सर्यात बड़े आदर्श राजा हैं और भाइयों राजा सर्यात की बड़ी कथा विचित्र है। ऐसा ही नहीं क्या एक बेटिया बोली भाले है यारो लाल प्यार से पाले है बिन्ने एक बिटिया है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या को राजा बड़ा प्रेम करते हैं बड़ा अच्छा बहुत चंद्र बदन उजियाले है और गोद मेरे दी लाले है बहुत बड़ी प्यारी है बिटिया बड़ी प्यारी और राजा उसे दिनों रात इतना प्रेम करते हैं कि खाए तो संग जाए तो संग नहाए तो संग। राजा सुकन्या बेटी को एक मिनट भी अलग नहीं करते अलग। और ऐसा ही नहीं एक दिन की बात है लोगों अपने 10,000 जवानों को लेकर राजा सर्यात जंगल में शिकार खेलने के लिए चले और जब शिकार खेलने के लिए चले
तो अपनी बिटिया सुकन्या को भी साथ में ले लिया। और सुकन्या की उस समय उम्र कितनी हो गई, 12 वर्ष की। राजा सरयात अपनी बेटी सुकन्या को भी साथ लेकर चले। दो बेटियां उन्हीं की उम्र की और हैं, उनको भी साथ में लेकर के चले। और शिकार खेलते खेलते कहां पहुंचे रवि? अरे पहुंच गए रे, अरे पहुंच गए रे चमन ऋष की कुटिया पे, पहुंच गए रे चमन ऋष की कुटिया पे। आज चमन ऋषि के आश्रम पर आ गए राजा सरयात अपनी सेना को लेकर। शोल्डर वृक्ष गली बगी छाया, शोल्डर वृक्ष गनी बकी छाया, गनी है छाया। चमन ऋषि कुटिया की पोजीशन क्या है? अरे अरे वृक्ष खड़े हैं, गनी छाया। अरे लो भाई गए रे, अरे लो भाई गए रे जा धर्म की कुटिया पे, पहुंच गए रे चमन ऋषि की कुटिया पे। अब तो राजा सरयात चमन आश्रम पर आ गए और अपने सैनिकों से कहने लगे, सिपाहियों तेरो या पर आराम कीजे, तेरो या पर आराम कीजे, आराम कीजे। खुश हुई गए रे, खुश हुई गए रे जा चमन की कुटिया पे, पहुंच गए रे चमन ऋषि की कुटिया पे। चमन ऋषि की आज आश्रम पर आ गए बियाबान जंगल में, और जो बियाबान जंगल में आए हैं राजा सरयात कहने लगे सिपाहियों से, सिपाहियों चमन ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर विश्राम कीजिए। सभी सभी ठहर गए। और जब घनी छाया में हवा लगी ठंडी ठंडी तो सबको नींद आ गई, राजा भी सो गए। लेकिन बिटिया सुकन्या को नींद न आई नींद, और अपनी सहेलियों से बोली, ओरी बहना पिताजी भी सो गए, सैनिक भी सो गए, अब हमारा एक दिल कहता है क्या? सहेली बाग में तो चल गुइया, बाग में तो चल बहना, बाग में तो चल। जंगल की हरियाली देखे, जंगल की हरियाली देखे तबई पड़ेगी कल बहना, बहना बेना। बाग में तो चल गुइया, बाग में तो चल बेना। पपिया मोर, पपिया मोर, पपिया बोले तोता बोले, बोले मैना मोर। जंगल में, जंगल में हरियाली बारी होवे इनका तोर बेना, बाग में तो चल गुइया, बाग में तो चल बेना, बाग में तो चल। जंगल की हरियाली देखे तबई पड़ेगी कल बेना, बाग में तो चल गुइया, बाग में तो चल।
आज इस तरह से कहती हुई बिटिया अपनी सहेलियों को लेकर के आज बगीचा में घूमने लगी। उस समय चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनको तपस्या करते करते 10,000 वर्षे हो गई थी। धूल उड़ के उनके ऊपर इतना जम गई कि एक टीला सा बन गया और चमन ऋषि की धूल में दोनों आंखें चमक रही थी। हाय बाप, बिटिया ने क्या किया, सुकन्या ने एक लकड़िया उठाई और दो आंख इनमें घूस दी और जो खून निकला उस बिटिया ने लकड़ी तो वहीं डाली और आकर के राजा सरयात अपने पिता के पास में आके चुपचाप लेट गई। लेकिन वारे महात्मा, जो चमर ऋषि की आंखें फूटी, क्या दशा हो गई फौज की। दौड़ने लजब फोड़ बड़ी बेजोड़ वहां बीमारी, फौजन के फूले पे तरे मलमूत्र है गया जारी। सारी फौज बीमार पड़ गई, मलमूत्र छूट गया। सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, बगिया में कैसी हो गई रे के पेच सकी बीमारी, बगिया में कैसी हो गई रे के पेच सकी बीमारी। बगिया में सोर दिन गारे है, सब घबराए गए बलधारे है। राजा ने गिरायो चारे है मेरी, मंत्री सोने अरे जग मारे है रात। एकदम सारी फौज बीमार पड़ गई, मलमूत्र छूट गया, पेचिस की बीमारी हो गई। राजा सरयात कहने लगा, मंत्री चमर ऋषि के आश्रम पे आकर के रोगी भी निरोग हो जाता है, लेकिन मेरी फौज बीमार कैसे पड़ गई। मंत्री कहने लगा, महाराज हमें तो यह मालूम पड़ रहा है कि इसमें चमर ऋषि का हाथ कोई छुपा नजर आता है, चलो उन्हें देखो चमर ऋषि कहाँ पर है। तो आज चमर ऋषि को ढूंढने के लिए चले। डोलत डोलत चमन ऋषि के पास में है आए, और आंखें फोटी देख के मन में सब घबराए। जो चमन ऋषि की आंखें फूटी देखी, सभी एकदम देख करके भयभीत हो गए और कहने लगे, महाराज ये मालूम पड़ गई चमन ऋषि की किसी ने आके फोड़ दी। महाराज भोपियो कहने लगो झुंझलाए, ओ किसने आके फोड़ी वो जल्दी बाहर आ जाए। जाने ऋषि की आके फोड़ी उसको चिल्ला ना छोड़ो, जिसने ऋषि की आके फोड़ी उसको चिल्ला ना छोड़ो। जिन्ना ना छोड़ो भाई में जिन्ना ना छोड़ो, जाने ऋषि की आके फोड़ी भैया। चमर ऋषि की हालत को देख करके राजा सरयात की आंखों में लोह के कतरे आ गए और कहने लगे, सिपाहियो जिसने महात्मा की आंखें फोड़ी है वो बाहर आ जाए, अगर नहीं आएगा तो एक एक करके आते जाओ, मैं सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा।
जो सुकन्या ने देखा कि आंखें तो हमने फोड़ी हैं, सारी सेना मारी जा रही है, आत हाथ जोड़ करके सामने आ गई और कहने लगी, बाबुल सारे हाथ कहने लगा, तू क्यों रो रही है बेटी? रो करके सुकन्या कहने लगी, पिताजी इस फौज का कोई दोष नहीं, इसमें दोष मेरा है। क्या बोली है सुकन्या? रो करके कन्या बोली है, जे पाप के हमने जोड़े, ओ बबुला हमने धोखे से बाबा के नैना फोड़े, बाबा के नैना फोड़े। बाबुल ये बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो समझा कि मिट्टी में क्या चमक रहा है, लेकिन भूल हो गई बाबुल, भूल हो गई, भूल हो गई। इतना कह करके बेटी फपक फपक कर रोने लगी। लोगों अनजाने हमसे भूल कोई, अब दिल आवे तो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग दे चाहे जीवन मेरो हरा पिता। पालो रखो चाहे त्याग दे चाहे जीवन मेरो हरा पिता। बेटी रे तरपाए माफ बिटिया को कर दे जो, बाबुल बेटी रे तरपाए माफ बेटी को कर दे जो, बेटी को कर दीजो, बाबुल बेटी रे तड़पाए माफ दे। आज रो करके सुकन्या बाबुल से कहने लगी, बहुत बड़ी भूल हो गई, वो भी अनजाने में, मुझे मालूम नहीं था बाबुल। राजा सरयात की आंखों में लोह के कतरे आ गए और कहने लगे, बेटी मैं सोचता था कि तेरा जीवन ऐसे राजकुमार से जोड़ूंगा जो जीवन भर मेरे को दुआ देती रहे, लेकिन तूने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, अब जा, यही मेरा दमान है, यही मेरा यही तेरा पिया है, अब इसकी उंगलियां पकड़, गांव गांव भीख मांग, तू खा इसे खिला, दया करे तो दया समझ, दंड देना चाहे तो दंड समझ। इतना कहकर के राजा शर्यात बेटी को छोड़ करके चलने लगे। आज सुकन्या आगे बढ़ गई और चमर ऋषि की उंगलियां पकड़ के बिलक बिलक के रोने लगी। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, अरे प्रीतम ने का बोल रे सो नाय दे राजा। अरे राजा ने का बोल रे सो लाए दे, और
प्यारे को धीर बनाए दे फोटो और चले मैं धर के लौट आ रोने लगी। इधर तो रोने लगी बिटिया और इधर राजा सरयात ने अपनी सेना से कहा कि चलो अब नगर के लिए मैं वापिस चलना है। जब इधर लौट के चले तो राजा सरयात की बेटी सुकन्या ने देखा कि बाबुल लौट के जा रहे हो, छोड़ करके चमन सिंह को भाग करके कहने लगी, बाबुल सरयात कह लगा मेरे पीछे कह रही है, उस अंधे बुढ़े महात्मा को देख। रो करके सुकन्या बोली, बाबुल तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मेरी माँ पूछेगी कि बेटी कहाँ है तो उनसे तुम ये मत कहना कि अंधे बुढ़े महात्मा के लिए छोड़ दिया, मेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। और रो करके सुकन्या क्या बोली अपने बाबुल से, सरयात राजा से, ओ निरमोई बबुल लले के बोल माफ कर पाए ना, सादे जंगल में खोए गए मैया को खबर मिल पाई ना, और दुख कितने पड़ जाए कबे सैया को न पेट दिखाओगे, आज इतना कहा। शरियत कहने लगे, अब जा अंधे बुढ़े महात्मा को देख, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। सुकन्या लौट आई, शरियत अपने नगर के लिए चले गए। आज चमन ऋषि की उंगलियां पकड़ के कहने लगी, पिया आंखें खोलो, मेरे समान कोई ऐसी अभागिन नहीं जो शादी से पहले अपने पति की आंखें फोड़ दी हो, लेकिन मैं ही ऐसी अभागिन जो शादी से पहले अपने पति की आंखें फोड़ दी। आज उनकी उंगलियां पकड़ के आज बिलख बिलख के रोने लगी और क्या कहने लगी है, मुँह पे भारी हुई गई बोल रे मोए माँ कर दीजे, और दासी ठारी सामने दया पिया न कीजे, भैया हिल के भर के बिटिया आज बगिया में रोए रहे, भैया खिल के भर के बिटिया आज बगिया में रोए रहे,
बिटिया आज बगिया में, आज बेटी सुकन्या चमन ऋषि के सामने बहुत समय तक रोती रही। आज उसके कपड़े गलगल के गिर गए, मगर चमन ऋषि ने आके नहीं खोली। आज एक पैर पर खड़ी हो गई सुकन्या और चमन ऋषि से बार बार कहने लगी, आंखें खोलो आंखें खोलो, आंखें नहीं खोलोगे तो बिलक बिलक करके मर जाऊंगी। और चमन ऋषि के सामने कितने समय तक खड़ी रही वो सुकन्या। अरे हुई गए 14 बरसे रे के सुनियो सरदारे, और लड़की तो एक पैर पे सनमुख हुए के ठारे। महाराज बरसिरो ने नल से अवनीर, सभी गए सो काटा हुई गौ शरीर। भैया 14 बरस के बाद समाने रित ने खोले, भैया 14 बरस के बाद समानी रित ने खोले। समानेर इतने खोले के भैया 14 बरस के बाद समाने। 14 बरस के बाद चमर ऋषि की समानी खुली। एकदम चमर ऋषि कहने लगे, अरे भाई कौन हो, यह रोने की आवाज किसकी आ रही है। एकदम सुकन्या चमन ऋषि के चरणों पर इस तरह गिरी है मानो कोने में से कोई लाठी गिरती हो। चमन ऋषि कहने लगे, कौन हो भाई कौन हो। सुकन्या रो करके कहने लगी, सुनो महाराज मैं कौन हूं। मैं बगी को पिया बोली है, मैं बगी को पिया जिसने फोड़ी अखिया, मैं बगी को पिया जिसने फोड़ी अखिया, मैं बगी को पिया जिसने। राजा सरियात बाबुल मेरे, राजा सरियात बाबुल मेरे, बाबुल मेरे। दुख में मेरो, दुख में मेरो सनरो जिया, में बगी को पिया जिसने फोड़ी अखिया, में बगी को पिया जिसने। महाराज मैं सरयात की बेटी सुकन्या, पिताजी जंगल में शिकार के लिए आए थे, मैंने आपकी धोखे से आके फोड़ दी, आपके हवाले करके मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे सुकन्या कहते हैं। धोखे से गलती हमसे हुई गई, धोखे से गलती हमसे हुई गई, हमसे हुई गई। पिया संगम मेरे कोई ना सकिया, में बगी को पिया जितने थोड़ी अखिया, में बगी को पिया जितने। महाराज मैं वही आपकी दासी हूँ,
मुझे सुकन्या कहते हैं। मैंने धोखे से तुम्हारी आंखें फोड़ दी, मैं आपकी दासी हूँ। चमर से कहने लगे, बा भाई बा, तुम हमारी दासी कैसे बन सकते हो? एक बात बताओ, तुम राजा की बेटी और हम जंगल में भजन कर ले माले महात्मा, तुम हमारी अर्धांगिनी कैसे बन सकती हो? और चमर ऋषि सुकन्या से कहने लगे हैं, सुनो। कहने लगे मुनिराज, तुम्हारे काजन कैसे पावे? और हम एक साधु संतरे के पिया कैसे कहलावे? सुन, हम महात्मा जंगल में भजन करने वाले, और मैं एक साधु संत जपे भगवंत के तो बतलावे तुम्हें समझावे। हम कैसे तो को अपनी नार बनावे, हम कैसे तो को अपनी नार बनावे। तो राजा की राजा कुमारी है और चंद्र बदन उजियारी है रा। जैसे फोलतिया फुल बारी है दिल, फीके बिना म्यान कचारी है फिर। एक बात बताइए, तुम राजा की बेटी और हम जंगल में भजन करने वाले महात्मा बुड्ढे, तुम्हारे साथ तुम्हारा कैसे जीवन कट सकता है? क्या तुम पागल हो गई हो? अपने घर जाओ। कहने लगी सुकन्या, महाराज आप कह रहे हो कि हमारे साथ तुम्हारा कैसे जीवन कटेगा, लेकिन नहीं महाराज, एक बात बताऊंगा आपको मैं। चमर ऋषि कहने लगे, बताने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम हमारे ऊपर इस तरह से दीवानी हो तो तुम हमसे कुछ मांग लो, कुछ वरदान मांगो। सुकन्या कहने लगी, अगर वरदान देना चाहते हो तो पिया एक वरदान दे दो। क्या? एक वरदान तो मैं नाथ तुमसे मांगती हूँ, तुम्हारे चरणों में सर्वस्व में त्यागती हूँ। महाराज, धोखे से मैंने आंखें फोड़ी कमरे सैया, धोखे से मैंने आंखें फोड़ी कमरे राजा, ठीक हो जाए तो वरदान की मांगती हूँ, तुम्हारे चरणों में सर्वस्व में त्यागती हूँ। महाराज, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये दे दो कि धोखे से मैंने तुम्हारी आंखें फोड़ी हैं, वो आंखें सही हो जाएं। चमर ऋषि कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वेद अश्वनी को बुला करके कहने लगे, वेद अश्वनी ऐसी जड़ी बूटी का रस तैयार करो, हमारे नेत्र में डालो, जो हमारे नेत्र बहुत सुंदर हो जाएं। चमर ऋषि की बात सुन के वेद अश्वनी कहने लगे, चिंता मत करो। उसी समय वेद अश्वनी ने जड़ी बूटियों का रस तैयार किया और जो चमर ऋषि के नेत्रों में डाला, नेत्र बहुत सुंदर हो गए, चारों तरफ दिखाई देने लगा। चमर ऋषि की तरफ देख करके सुकन्या बोली, पिया एक बात बताओगे ना मुझे? हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगे, तुम्हारी उम्र कितनी है? जवाब दिया, मुझे बाबू 12 साल की लेके आए थे, 14 साल तुम्हारे ध्यान में रही, अब मैं 26 वर्ष की हो गई। चमर ऋषि कहने लगे, गोरी हमारी उम्र तो 50,000 वर्ष की है। कहने लगी, महाराज यही मामला बस गड़बड़ है,
कहने लगे तो हमने तुमसे ये कहा था कि वरदान मांगो, तो तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, हमारे लिए मांगा। कहने लगी तो अब मिल जाएगा। चमरसी कह लगी हाँ बोलो। तो बोली है क्या, वरदाना में यदि देते हो तो मेरे प्रेम में सनी जाइयो, हम 26 बरस की गोरी है तुम 30 के पट्ठा बन जाइयो। सके राजा बन जइयो, महाराज इसमें कारण है क्या, मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, इधर बुढ़ापा है तो लेकिन पे भरी जवानी है, महाराज मेरे पे घोर जवानी, आप पर बुढ़ापा, इसलिए मैं आपसे यह वरदान मांगती हूँ कि मैं 26 वर्ष की हूँ, तुम 30 वर्ष के पट्टा जवान बन जाओ जवान। कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा गोरे। उसी समय वैद्य अश्वनी को बुलाकर कहने लगे, चमरसी वैद्य अश्वनी, ऐसी जड़ी बूटी का रस तैयार करो जो हमारे शरीर को जवान कर दे। अच्छा हाँ ठीक है महाराज। उसी समय वैद्य अश्वनी ने ऐसी जड़ी बूटी का रस तैयार किया और 8 दिन पिलाओ अट्ठा में पट्टा, जवान फट पड़ो फट पड़ो। कौन सा रस पिया वो, जैसे औषध के योग से तरुण भई बो दे, आज भी मौजूद चमन प्रास अबले। चमन प्रास का डिब्बा जो आता है मेडिकल से, वो चमन ऋषि के लिए बनाया वैद्य अश्वनी ने, इसलिए आज भी उसका नाम है चमन प्रास। जवान हो गए चमन ऋषि, अब तो कैसी बाहर आ गई, अब तो चमन ऋषि जवान हो गए जवान। एक दिन सुकन्या चमन ऋषि के पास लेटी हुई है, चमन ऋषि भी लेटे हुए हैं, लेकिन भादों का महीना वर्षा हुई और जो वर्षा हुई सो छप्पर टपको पानी आओ। सुकन्या उठ के बैठ गई, चमरसी कहने लगे क्या नींद नहीं आ रही। सुकन्या कहने लगी पिया हम बदल गए तुम बदल गए, पर ये छप्पर नहीं बदलो। क्या है तो जवाब दिया, संगमरमर का महल होता, किचन होती, बाथरूम होता, कितना आनंद आता पिया। चमरसी कहने लगे चिंता मत कर घोरी, अभी ले फौरन विश्वकर्मा को बुला करके कहने लगे, हे विश्वकर्मा ऐसे संगमरमर का महल बना के तैयार कर दो जो बहुत सुंदर हो। उसी समय रात्रि रात्रि में विश्वकर्मा ने संगमरमर के महल बना के तैयार कर दिए। अब तो इतना आंगन अच्छा कि चींटी भी रपटे चींटी, क्या हाल पोजीशन है वहां पर। वो तपोभूमि भई रंग भूमि छाए रही छटान्या रे न्यारे, छाए रही छटान्या रे न्यारे, प्यारे प्यारे फूल बारे के ओला रे, प्यारी प्यारी फूल बारे के करते के लोल क्या रे, क्या रे करते के लोल क्या रे, क्या रे अब क्या है। बेदिया नहीं धोनिया नहीं, जे जगह महात्मा 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते थे, आज
न बेदिया है न धुनी है, बेदिया नगे दुनिया नहीं, दुनिया की हवा चल रही है, जो बगिया से कोई गुजर पड़े बिसियन के गंद आ रहे है, बिसियन के गंद आ रहे है। आस हुआ न तो धुनी है, न बेदियां है, न हवन कुंड है, अब न वेद शास्त्र की चर्चा है, अब चर्चा है रंगरेलियों की, लड़कियों का भी जमघट इधर। ये बात बिल्कुल सच है, क्या आपको ये भी दर्शा दे? औरत मकड़ी का जाला है, अच्छे से अच्छे फंस जाते, जो जाल में फंस जाते के फिर वो नहीं निकल बिल्कुल पाते। ये बिल्कुल सच है। आज इधर राजा सरयात सोचने लगे कि मैं अपनी बेटी को बुड्ढे महात्मा के लिए छोड़ के आया था, चलकर देखूं उसकी हकीकत क्या है। तो राजा सरयात अपनी बेटी के पास जंगल में चले चमन ऋषि के आश्रम पर। गोला सजाए लो राजा जी ने महल में, गोला सजाए लो राजा जी ने महल में, ए जी जाकी कमर में, हम जाकी कमर में झूलता लबार, गोला सजा लो राजा जी ने मेल में दे। चल दिए राजा सरयास, और ऐसा ही नहीं, जब चले हैं ज्यादा समय नहीं लगाया आने में, अरे जंगल में राजा आए, अरे जंगल में राजा आए, और वहां महल दिखान दिखाए, और मन में राजा ऋषि आए, ये क्या है, यहां में टूटी झोपड़ी छोड़ गया था, यहां पर संगमरमर के महल या बुड्ढा अंधा महात्मा भी नहीं है, यहां तो कोई जवान घूम रहा है। दशा देख के मन में राजा दाते पेसरे पीस रह जाए, अरे जा बेटी ने आज दमा दबो मार के या से दिया भराए, दाग जल दियो लगाए, अरे पद
बदनामी मेरी जगह में खोए गए। अब मैं क्या मौत देखने को ना आए। यार मेरे धीरे धीरे, यार मेरे धीरे धीरे, राजा तो मन मेरा घबराए। यार मेरे धीरे धीरे, आज राजा ने जो दशा देखी है, सोचने लगा यह बेटी नहीं कुल की दूसरे है, इसने तो दामाद को मार के भगा दिया, कोई नौजवान दूसरा ढूंढ लिया। जब तक चमार ऋषि की जो नजर पड़ी है यह राजा शर्यत हमारी तरफ देख रहे हैं, उसी समय चमार ऋषि चले और राजा शर्यत के पास में आकर के कहने लगे, महाराज चमन ऋषि के बेन लगे ओके न सुनो बलधारी, काए को कर रे सो चुरे के दुविधा तुम को भारे। कौन सी दुविधा में पड़ गए आप, क्या हो गया? इतनी बात सुनकर के राजा शर्यत कहने लगा, महाराज आप कौन? गए हो आए हमें बतलाओ सुनो, ज्वान बलधारी ज्वान बलधारी, और मेरी बेटी सुकन्या ने मेरी बात बिगारे, मेरी बेटी सुकन्या ने और मेरी बात बिगारे। चमर ऋषि कहने लगे राजा शर्यत से, महाराज आप जो चिंता में पड़े हो वो चिंता सब खत्म कर दीजिए, मैं वही चमर ऋषि हूँ जो तुम्हारी बेटी ने धोखे से आके फोड़ी थी। अच्छा, एकदम चमर ऋषि की बात सुनकर के राजा शर्यत कहने लगे, तो महाराज एक बात बता दीजिए, हमें तुम चमन तो नहीं लग रहे हो। जवाब दिया, मेरा वैद्य अश्वनी ने इलाज किया और मैं जवान हो गया। चमर ऋषि की बात सुनकर के राजा शर्यत कहने लगे, तो महाराज बिटिया ने अकेली उपाय है और मेरी समझ में वो आए है बेटे, सुंदरता में दिखाए है और मन मेरो हरसाए है सर, जो ये शब्द कहे उसी समय सुकन्या आकर के कहने लगी, बाबुल मैंने तुम्हारी जीवन को दाग नहीं लगाया, ये चमर ऋषि वही है जो मैंने धोखे से आंखें फोड़ी थी। जब तक वैद्य अश्वनी आ गई और कहने लगे, वाह भाई वाह, ससुर दामाद की खूब बातें हो रही हैं, महाराज आपका इलाज हमने किया लेकिन आज आपने हमारी कोई फीस नहीं दी। चमर ऋषि कहने लगे, क्या फीस है आपकी? वैद्य अश्वनी कहने लगे, महाराज हमें देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं देते, हमें अछूत कहकर ठुकराते हैं, हमें यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए। उसी समय चमर ऋषि कहने लगे, चिंता मत करो। और क्या किया चमर ऋषि ने? चमन ऋषि ने यज्ञ को विधान अरे रचा, और वैद्य अश्वनी को उसने यज्ञ पे बिठला, जो वैद्य अश्वनी को यज्ञ पर बिठा रहा चमन ऋषि ने, महाराज इंद्र जब आए गयो बेराए, वो चमर ऋषि से आकर के तब के न लगो झोंया लाए, मेरे बाबा जी आया साधो जी जाको ये यज्ञ पे क्यों बिठलाओ, जाको न
को दुनिया बदलाए मेरे बाबा जी यज्ञ पे जा को क्यों बिठलाओ जो यज्ञ पर बिठाला एकदम देवराज इंद्र हाथ में गदा लेकर के खड़ा गया कहने लगा ये चमन इसको यज्ञ पर क्यों बिठाला। चमन ऋषि कहने लगे ये तुम्हारी नजर में जाति अछूत है लेकिन मेरी नजर में नहीं, सब देवता का इलाज करता है और यज्ञ पर इसको क्यों न बिठा ले इसको भाग बराबर दिया जाए। देवराज इंद्र कहने लगा महाराज एक बार सुनो मेरे सामने ओ बाबा ये चाल चल नहीं पाएंगे असनी यज्ञ पर बैठेगा तो तलवार चले जाएंगे तो तलवार चले जाएंगे। महाराज यज्ञ पर इसको नहीं बैठने दूंगा। चमर से कहने लगे ओ देवराज इंद्र शायद तुम्हें अभी पता नहीं है क्या ज्यादा बक बक मत या करो। चमन ऋषि बोले देवराज इंद्र से तेरे दिल पे पानी चढ़ा नहीं तुम खेले हो सदा और लड़कियों में तुम्हें काम मरद से पान के खेलेगा सदा अभी तो मर्दों से पहला नहीं पड़ा अभी लड़कियों में खेलो देवराज इंद्र। देवराज इंद्र कहने लगा तो कैसे इसको बिठालते हो यज्ञ पर देखता हूँ। चमर सिंह कहने लगे तो रोक किस तरह रोकेगा। उसी समय देवराज इंद्र ने गदा घुमा करके जो चमर सिंह में मारी वारे चमर सिंह क्या हालत कर दी देवराज इंद्र की जकी पत्थर हो गए बाहर ऊपर से नीचे आए और दशा देख के सुरपत भैया गावे घबराए महाराज इंद्र पायन में पड़ी गए और क्षमा करो महाराज के भूल जो भारी करेगा ओके महाराज मुझे माफ करो मुझे भैया जाने किन गर्व एक दिन वो पछताओ है यारो जाने किन गर्व एक दिन वो पछताओ है इस तरह से देवराज इंद्र झुक गया पत्थर की बाह हो गई तो उसकी चमर ऋषि से क्षमा मांगी है। आज चमर ऋषि कहने लगे कभी घमंड मत करना इसको बराबर भाग दिया जाएगा। उसी समय देवराज इंद्र झुक गया और कहने लगा ठीक है महाराज। इस तरह से चमर ऋषि ने वेद असनी को यज्ञ में भाग दिलवाया है। मेरे चमन ऋषि की कथा रे जलती में सुना देगा के और रवि लला ढोलक पे रहो अपने स्थान मिला के महाराज मेरा है देवी सिंह है नाम चिमटा पर बैठे काली चरण है उनको सुंदर नाम गायक देवी सिंह तुमको लीला रे सुनाई है और गुप्ता स्टूडियो में हम अब करें रिकॉर्डिंग आई है अरे हर बोला मेरे भैया अरे
कर बोलो मेरे भैया, कर मलेखना मिटे करो चाहे लाखो चतुरैया, करिया नागिन बन के डस गई मोहर तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई मोहर तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया रसीले तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गए मोहन तेरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।